एक ऐसा शैतानी खेल पंजाब में शुरू किया गया है, एक ऐसा कभी और मकरूह फेल पंजाब में इन इंतखाबात के ऊपर नज़र असरअंदाज होने के लिए शुरू किया गया है कि जिसकी मुज़म्मत की कोई इंतहा ही नहीं। सबसे पहले जो वज़ीर दाखला है पाकिस्तान का राना सनाउल्ला, आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर दाखला जो है वो टीवी के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये वज़ीर दाखला कह रहा है राना सनाउल्ला। उसके बाद जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है वो आती है, वो इसको बयान को अपनी वो कैंडी क्रश खेलते खेलते एंडोर्स करती है। उसके बाद जो इनके बाकी वज़ीर हैं वो भी ये बात करते हैं, और उसके बाद अगर ये मामला बयानात तक रहता तो कोई हरज नहीं था। लेकिन उसके बाद हमारे रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPA को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसफ़ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तोहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्ला के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है और जो पंजाब में दीगर धांधली है हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अभी का जो मामला है जो सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं, 3 MPAs हैं, गजनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर भक्कर से, इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसलन कितना काम आ सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं आप बताएं आपकी क्या, हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए, तो उसने कहा नहीं हमारे पास 14 लोग हैं, ये गुफ्तगू हो रही है, और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारण ने उनको आगे से कहा कि नहीं 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये मुल्क जिसमें इमरान खान हमेशा क्या बात करते हैं कि हमारी जो मोरालिटी है, हमारी जो इस क्लास ने जिसने पाकिस्तान को आसफ़ जरदारी एंड कंपनी जिसने पाकिस्तान को इस तरीके से रूल किया है, वो हमारी इखलाकी इकदार को इतनी पस्त ले गए हैं कि कोई मसला ही नहीं है किसी को पैसे ऑफ़र करना, कोई मसला ही नहीं है MPAs को ख़रीदना, कोई मसला ही नहीं उन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है उठा के इधर से उधर ले जाना।